वेलकम बैक टू आर एस एम मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः लेकर आए हैं बहुत अच्छी कहानी आप सभी की सेवा में यहाँ पर प्रस्तुत है। ऐसी कहानी जो आपके जीवन की सोच को बदलने का कार्य करेगी, वसरते की कहानी को अंत तक सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। आइए देख लेते हैं क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ संदेश देगी ये कहानी, जरूर देख लेते हैं। तो कहानी है यहाँ पर, एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वह और जोर से जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुँच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भरा भरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध। ऐसे में आप हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहे, साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना और उसे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति आपकी बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार आपका धैर्य, सबसे स्वच्छ विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात कि ये सब कुछ निःशुल्क है। सुबह जिंदगी बदल जाएगी। कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके, और पुनः नई कहानी, नई मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।